गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? तो अभी 6:52 हो रहे हैं मॉर्निंग की, बच्चे उठ गए हैं और स्कूल जाने की हो रही है तैयारी। तो इनका लंच तैयार है और ब्रश वगैरह हो गया है, तो अभी नहाने गई है प्राप्ति। और तब तक जब तक ये लोग नहाते हैं, तब तक मैं ये बिस्तर वगैरह समेट लेती हूँ। और पीहू का अभी हो रहा है नाश्ता। कैसे बैठी है? ब्रेकफास्ट बोलते हैं, हमने तो इंग्लिश पढ़ी नहीं, हमें क्या पता। क्या खा रही हो? आलू की सब्जी। कहाँ से आई थी? मैंने बनाई है। अभी तब तक कुछ काम करने का मन नहीं करता जब तक स्कूल नहीं गए ना, क्योंकि फिर ऐसे ही हो जाता है। एक बार स्कूल चले जाए तो अच्छे से फिर हो जाती है साफ सफाई। बैग रेडी है पियू तेरा? चलो इतना कर लेती है, अब अपना बैग वगैरह तैयार खुद ही कर लेती है। तब तक मैं ज़रा चादर वगैरह समेट लेती हूँ, पराती नहा रही है जब तक, फिर मैं पियू को नहलाऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरी चाय वाय हो गई थी और यहाँ पे पीहू कर रही थी नाश्ता। और इनका स्कूल का जो लंच बॉक्स होता है, मैंने इनका लंच पैक कर लिया था इनके टिफिन में। और ये पीहू की छोटी सी बोतल है पानी की, वो दोनों तो खुद भर लेते अपना पानी बोतल में। तो यहाँ पे मैंने लंच तैयार कर लिया था। और ये श्रीमान देखो, जब भी इन्हें मौका मिले, स्कूल के लिए लेट हो चाहे कुछ हो, जैसे मौका मिले वैसे फ़ोन आदमी उठाएगा, दिन रात मेरे हाथों पिटता जाएगा। तो वो बोला था जब दीदी नहाएगी उसके बाद मैं नहाने जाऊँगा, पर तब तक ये नहीं कि अपना टिफिन रखूँ बैग में या अपने बोतल में पानी भरूँ, ये नहीं, बस मौका दिखते ही फ़ोन हाथ में उठाना है इसने, इसीलिए मेरे हाथों ये पिटा जाता है। लड़कियाँ इतनी नहीं होती, लड़कियाँ सही है होती है, लेकिन लड़के बहुत बिगड़े हुए होते हैं। बस इसको तो थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए, फ़ोन हाथ में उठाया बस गेम खेलने लग गया। तो यहाँ पे चादर वदर मैं सेट कर लेती हूँ जब तक बच्चे नहाते हैं, उसके बाद जाऊँगी बच्चों को छोड़ने। तो बाकी पोछा वगैरह उसके बाद ही लगेगा, झाड़ू भी उसके बाद ही लगाऊँगी, क्योंकि फिर दोबारा से लगाना रह गया है। पीयू बेटा, इतना शायद इतना कुछ भी नहीं होता। ये देखो इस नक्षड़ी को, इसका होमवर्क इसीलिए तो कंप्लीट नहीं होता। और डांस करते करते नाचते नाचते तो ऐसे खड़े खड़े थोड़ी होगा होमवर्क, बैठ के करो ना। पीहू बैठ के लिखो, देखिए इसकी नौटंकी। चलिए 8 बजने वाली, अभी तक मेरा कुछ नहीं है कि क्या बनाऊं मैं डिनर में। आज थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं ये कर्टेन खोल दो, बाहर से हवा आएगी, एक किनारे कर दो उनको। क्या करना है मतलब? फोर ही तो होगा, जब वन बोरो ले लिया तो फोर होगा, मम्मी देखो वन फाइव से वन बोरो ले। सही है मेरी बिट्टू, सही है। प्राप्ति क्या बनाओ? मम्मी उसे देखा नहीं पता, मैं मम्मी को बताने को बोल रही हूं। हां जब ये लाइन दुकान से काला मिलता है यहीं पे दुकान। अच्छा अब जाएगा 8 बजे? इधर नहीं, इधर सॉरी, अरे यहाँ पे रोड नहीं है, उसका आगे पे ही है। मिट जाए? हाँ नहीं, नमकीन वाले। आप कौन ला रहा, कोई दुकान जाके मैं रात को कब से बोल रही थी मैं इसको मीठे ला रहा हूँ, मीठे बनाने तो मत लाओ, मीठे और नमकीन और कल ही बनेगा। कभी नहीं खाया था ना मीठा। वन में से वन माइनस किया फिर जीरो, आगे वाला करो। आगे वाला ये फोर है, फोर है,
जल्दी करो, ये फोरी आएगा यहाँ। हाँ? यहाँ फोरी आएगा। फोरी तो आएगा। और यहाँ पे जीरो ही। जीरो में से जीरो माइनस जीरो। अब क्या है, वन में से फाइव माइनस माइनस हो सकता है? नहीं। तो क्या करेंगे उसके लिए? इसे इलेवन बनाएंगे। इलेवन कैसे बन जाएगा? फोर से एक बोरो लेंगे, ठीक है? इलेवन से फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। और फ्रेंड्स यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे लाइट चली गई थी और पीहू कर रही थी होमवर्क, तो मैंने उसको बोला कि बाहर में आके कर। उस टाइम थोड़ा उजाला था, इतना भी अंधेरा नहीं हुआ था, तो अंदर गर्म हो रहा था, बाहर में बैठ के वो कर रही थी होमवर्क और मैं भी यहाँ पे बैठी हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा ये देखिए वीडियो शूट कर लिया था। गाइस अभी 7 मिनट बाकी हैं और आई हूँ अभी दुकान से, ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब पास ही है दुकान, पैदल ही गई थी। और इनके लिए जो सैटरडे वाली ड्रेस होती है ना, हाउस ड्रेस, तो वो लेनी थी मैंने, तो उसके लिए गई थी। पर आपके गौरव के पास जो है ना वाइट पैंट तो पिछले स्कूल की है, और ये एक ही मैं टी शर्ट लेके आई स्कूल की, यूनिफॉर्म है आपके की है, और ये है गौरव की, तीनों का येलो ही कलर है, और ये है प्यूरी की। मम्मी प्यूरी नहीं बोलने। और ये शॉप से लेके आई इनके साथ वाइट कलर का, और इतनी भागा दौड़ी, इतनी भागा दौड़ी, मैंने ना ग्रोसरी का सामान लेने जाना है और 7 बजने वाली है, तो उस तरफ से दूर हो रहा था, तो मैंने कहा इतनी दूर से कैसे ले जाऊँगी मैं, और इसके चक्कर में ना मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, जिसके चक्कर में दोबारा क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा क्योंकि मेरे पैर लंबे हैं, छोटी हो रही है, मतलब छोटी नहीं, इस साल तो मतलब ठीक ठाक चली जाएगी, लेकिन ड्रेस ऐसी लेनी चाहिए कम से कम 2 साल तो चलनी चाहिए, और ये तो कुछ महीने बाद ही छोटी हो जाएगी, तो इससे थोड़ा बड़ा साइज लाना था। मैंने थोड़ा बड़ा साइज देखा भी था, लेकिन वो ज़्यादा ही बड़ा था, ऊपर से कमर भी थी वो तो इतनी पतली है, कमर भी उसकी इतनी ज़्यादा थी, और ये जो पैंट है ना ये भी बहुत ज़्यादा ढीली थी, और ये तो इतने सूखी सी है, तो मुझे लगा कि ये आ ही जाएगी, लेकिन ये तो छोटी हो रही है, अब इसके चक्कर में मुझे फिर से जाना पड़ेगा। अब तो कल ही जाऊँगी, इवनिंग के टाइम पर खुलती है वहाँ यूनिफॉर्म की जो दुकान है, तो अभी इसको इसमें पैक करके रख देती हूँ, बाकी रख देती हूँ, फिर कल जाऊँगी। सच में मेरे पाँव बहुत दुख रहे हैं, बहुत थक गई हूँ, आज मैं चाय भी नहीं पी, 7 बजने वाले हैं। पहले दूध लेने गई, दूध लेके आई, दूध गर्म किया, फिर इनकी यूनिफॉर्म लेने गई, अभी जाना है मैंने, सामान लेके आना है, दो ही है दीदी के लेनी है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर लेती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक।